बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड. लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. शाहिद कपूर ने क्यों कहा आई लाइक टू बी यूज्ड, बताएंगे आपको. शाहरुख खान क्यों नहीं आए अपने बेस्ट फ्रेंड की फिल्म अग्निपथ की स्क्रीनिंग में, राज खोलेंगे हम. चिकनी चमेली कटरीना को लेकर कहां चली गोलियां, बताएंगे आपको. रिलीज से ठीक पहले फिल्म अग्निपथ फंसी कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी में, रिवील करेंगे हम. और मिलवाएंगे आपको फिल्म लंदन पेरिस न्यूयॉर्क की स्टार कास्ट से. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं शाहिद कपूर से. शाहिद को हमने स्पॉट किया एक इवेंट में, जहां उन्होंने बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह दिया जो बन गई ब्रेकिंग न्यूज. क्या कहा शाहिद ने, आप भी सुनिए. सुना आपने शाहिद क्या कह रहे हैं. बातों ही बातों में शाहिद के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो दूर तलक जा सकती है. क्या इनका इशारा किसी फिल्म मेकर की तरफ है या फिर अपनी को एक्ट्रेसेस की तरफ. आखिर किसने किया शाहिद को यूज. शाहिद पहुंचे थे एक म्यूजिक सिस्टम को प्रमोट करने, जहां उन्होंने कह दिया दैट ही लाइक्स टू बी यूज्ड. जहां तक फिल्म मेकर्स की बात है, हमें तो नहीं लगता कि शाहिद कभी किसी ने आपका फायदा उठाया हो. लेकिन हाँ, अगर आपका इशारा बी डाउन की एक्ट्रेसेस की तरफ है तो हम समझ सकते हैं दर्द दिल. पहले करीना, फिर विद्या बालन, फिर रानी मुखर्जी और सबसे लेटेस्ट प्रियंका चोपड़ा. कहीं आप इन एक्ट्रेसेस पर तो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कभी न कभी आपका नाम इनके साथ जरूर जुड़ा. लेकिन आपके प्यार का कोई भी मौसम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और आपके दिल को सबसे ज्यादा चोट लगी प्रियंका के साथ ब्रेकअप की वजह से. बट वी आर श्योर कि आपकी ये बात प्रियंका के लिए नहीं थी, वरना आप उनकी यूं तारीफ न करते. अब जब आपने खुद प्रियंका का जिक्र छेड़ दिया है, तो शायद कुछ अपडेट हमें आप दोनों की फिल्म के बारे में भी दे दीजिए. जनवरी 8 को हमने लास्ट डे शूट किया था औरंगाबाद के अंदर. दैट्स व्हेन वी कंप्लीटेड द शूटिंग ऑफ द फिल्म. 22 जून को फिल्म रिलीज हो रही है और फिलहाल हम लोग टाइटल की तलाश में. अरे शाहिद, ये तो हमने पहली बार सुना है कि पूरी फिल्म बनकर तैयार हो, लेकिन फिल्म का टाइटल अभी तक नहीं मिल पाया हो. लगता है फिल्म मेकर्स आपकी और प्रियंका की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम ढूंढ रहे होंगे. चलिए शाहिद, अब इतना और बता दीजिए कि शादियों के इस मौसम में क्या आपकी भी कोई प्लानिंग है शादी को लेकर. The support of somebody who loves you and takes care of you, and so you end up getting married and getting settled, and I think it gives you a lot of confidence and it gives you a certain sense of stability. So I think it's beautiful if your partner is with you on your journey in life, and if you have somebody to share your success with, definitely. कहते हैं all's well that ends well. आपका किसी ने यूज किया है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लाइफ को लेकर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर हम काफी इम्प्रेस्ड हैं. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. अग्निपथ की टीम ने रखी एक खास स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग के लिए खास इनवाइट किया शाहरुख को, लेकिन एसआर के नहीं पहुंचे अपने फ्रेंड्स के भी बुलाने पर. लेकिन क्यों, फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी. अग्निपथ की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचा शाहरुख का पूरा फ्रेंड क्लब, लेकिन नहीं आए बादशाह खान. खुद देखिए शाहरुख के गैंग में से ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर और अर्जुन रामपाल. इस स्क्रीनिंग में हर कोई मौजूद था, लेकिन जिस किंग खान को देखने के लिए हर कोई था बेकरार, नहीं हुआ उनका दीदार. दरअसल ऋतिक ने रखी थी अपनी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां फिल्म की पूरी टीम पहुंची. मेरे ख्याल से सो फार आई एम वेरी हैप्पी, वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी. बहुत कम बार ऐसा मौका होता है व्हेन द प्रोमोस हैव बीन एक्सेप्टेड सो वेल एंड द ईगरनेस टू सी द फिल्म. प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और डायरेक्टर करण मल्होत्रा सब शामिल हुए इस स्पेशल स्क्रीनिंग में. अभी पान खा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन
मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अपनी फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में ऋतिक और करण ने शाहरुख को भी इनवाइट किया, लेकिन शाहरुख को जाना था एक अवार्ड शो के रिहर्सल में। इस अवार्ड फंक्शन को करना है उन्हें होस्ट भी, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाए अपने बेस्ट बडीज को सपोर्ट करने। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के स्क्रीनिंग की। वैसे तो इस स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने भी ये फिल्म देखी उन्होंने की फिल्म की काफी तारीफ। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। सुपर परफॉर्मेंसेस, आई थिंक करण जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वाकई में फर्स्ट फिल्म किया बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि पहली फिल्म है, बहुत ही कमाल का काम किया है। सुपर, इट्स लाइक गोना बी रॉकिंग द कंट्री लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऑल परफॉर्मेंसेस आर जस्ट फैबुलस। Finally, like super kind of films are back, and it's just amazing, amazing. Ritik, Priyanka, Sanju, everybody was outstanding. I enjoyed the film very much. I thought the director did a fantastic job. जब फिल्म की इतनी तारीफ हुई, तो हमने ढूंढा करण को for his reaction. लेकिन करण ने तो सारा credit दे दिया फिल्म के director को. मैंने केवल पैसे दिए इस फिल्म के लिए, इन्होंने पूरी मेहनत और लगन से ये फिल्म बनाई है। फिल्म इनकी विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऋतिक, प्रियंका, संजू, ऋचि कपूर सब ने बहुत मेहनत से ये फिल्म की है। सारे के किरदार हैं बड़े पर्दे पे बहुत ऊंची दर्जा से पेश आए हैं। Well, इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखे ऋतिक रोशन, और हो भी क्यों ना, विजय दीनानाथ चौहान बनना कोई आसान बात तो नहीं है। देखिए, दिस वाज अ कास्ट एंड क्रू ट्रायल, तो जाहिर बात है कि whatever the case may be, we have to like the film. Well, film को beat down celebrities ने तो दे दिए full marks, लेकिन film असली अग्निपथ पर तो तब चलेगी जब वो होगी box office पर release. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Recently, आमिर खान के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आमिर के टीवी शो के सेट पर लग गई आग। Full details up next. आमिर खान के सेट पर लग गई आग। जी हाँ, बाल बाल बच गए आमिर खान। आमिर आग लगने से कुछ देर पहले ही अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। ये सेट किसी फिल्म का नहीं, बल्कि ये सेट है आमिर खान के आने वाले नए टीवी शो का। ये वही शो का सेट है जिसका अनाउंसमेंट आमिर ने कुछ दिनों पहले मीडिया के सामने किया था। इस शो का सेट लगा है मलाड के वृंदावन स्टूडियो में। अचानक कल रात को इस सेट पर आग लग जाने से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बारे में जब जूम ने आमिर खान के स्पोक्सपर्सन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, देयर वाज अ फायर दिस इवनिंग ऑन द सेट्स ऑफ आमिर खान्स शो, लकीली नोबडी वाज इंजर्ड। सोर्सेस की माने तो आमिर का ये शो मार्च से ऑन एयर होने वाला है, मगर इसकी शूटिंग आमिर खान ने अभी से ही स्टार्ट कर दी है। वेल, इस स्टूडियो में सिर्फ आमिर खान के ही शो की नहीं बल्कि और भी कई टीवी शोज की शूटिंग होती रहती है, लेकिन लकीली इस आग से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वेल, वी होप आमिर ये सेट जल्दी से वापस तैयार हो जाए और आप अपनी शूटिंग फिर से शुरू कर सकें। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म अग्निपथ के रिलीज से पहले एक सॉन्ग को लेकर नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। किसी ने फिल्म मेकर्स पर उनका गाना चुराने का एलिगेशन लगाया है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। अग्निपथ का ये सॉन्ग जो आप हमारे जरिए सुन रहे हैं, शायद फिल्म में आप इस सॉन्ग को मिस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस सॉन्ग को ना तो इसका प्रोड्यूसर हटाने की कोशिश कर रहा है और ना ही डायरेक्टर, लेकिन इसे हटाने की कोशिश कर रहा है एक आम आदमी। दरअसल बात यह है कि अगर सोर्सेस की माने तो अग्निपथ का ये सॉन्ग घिर चुका है कंट्रोवर्सीज से। नागपुर बेस्ड एक आर्टिस्ट आदित्य सालनकर ने इस सॉन्ग की लिरिक्स को अपना बताया है। मामला है कॉपीराइट इशू का। आदित्य ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में क्लेम किया है कि ये सॉन्ग उन्होंने ही लिखा है। आदित्य के पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये सॉन्ग आदित्य के एल्बम कायरा का एक सॉन्ग है जो मिड फरवरी में रिलीज होने वाला है। आदित्य ने एक लीगल नोटिस भी भेजी है मगर अब तक उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। वेल, सोर्सेस की माने तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जल्द से जल्द इस नोटिस का रिप्लाई दिया जाए, नहीं तो फिल्म से इस सॉन्ग को निकालना होगा। वेल, लेट्स सी कि कहीं ये कोई प्रमोशनल स्टंट का हिस्सा तो नहीं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख खान सीखना चाहते थे माधुरी से उनका इंग्लिश एक्सेंट, लेकिन माधुरी ने रख दी किंग खान के सामने एक शर्त। माधुरी ने क्या कहा शाहरुख से करने के लिए, फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी।
माधुरी चाहती है शाहरुख की भलाई। माधुरी को नहीं पसंद है शाहरुख की एक आदत, और इस आदत को छोड़ने के लिए वो कर रही है शाहरुख को रिक्वेस्ट। दरअसल हुआ यूं कि एक रीसेंट इवेंट पर द धक धक गर्ल मेट द डॉग, जहां शाहरुख ने रिक्वेस्ट किया माधुरी से कि वो अपनी एक्सेंट मारने की आदत छोड़ दें। वहीं लगे हाथों माधुरी ने भी शाहरुख से कह दिया कि वो अपनी स्मोकिंग की इस बैड हैबिट को छोड़ दें और वो अपना एक्सेंट सुधार लेंगी। अब ये बात तो सभी को पता है कि शाहरुख से स्मोकिंग छुड़ाना इम्पॉसिबल है, पर उनकी इस बैड हैबिट से उनके काफी दोस्त कंसर्न भी हैं। तभी तो उनकी डियरेस्ट फ्रेंड ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो अपना ये एडिक्शन छोड़ दें। अब माधुरी की रिक्वेस्ट को शाहरुख टाल भी तो नहीं सकते। आखिर इन दोनों की बॉन्डिंग तो काफी गहरी है। भले ही दोनों कोई फिल्म साथ कर रहे हो, लेकिन अभी भी जब शाहरुख माधुरी से मिलते हैं तो नजारा कुछ ऐसा होता है। बॉलीवुड ब्रिगेड में वैसे तो कई एक्टर्स हैं हु आर प्रोन टू पफिंग, व्हिच इंक्लूड्स ऋतिक रोशन एज वेल, जिन्होंने हाल ही में स्मोकिंग क्विट कर दी है एंड आल्सो वांट्स कि उनके करीबी दोस्त भी ये आदत छोड़ दें। मेरे ख्याल से हर इंसान के लाइफ में एक मुकाम आता है वेयर दे हैव टू फेस देमसेल्फ, दे हैव टू फेस देयर मोर्टैलिटी एंड डिसाइड व्हेदर दे वांट टू लिव हेल्दी, दे वांट टू लिव वेल, और दे वांट टू जस्ट सकम टू दैट लिटिल डिजायर व्हिच डज नथिंग टू। अब माधुरी और डुगू की रिक्वेस्ट के बाद क्या अभी शाहरुख स्मोकिंग क्विट करेंगे या नहीं, ये कहना हमारे लिए भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। फिल्म लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में लीड रोल में नजर आएंगे अली जफर और अदिति रॉय। हमने इन दोनों से की फिल्म को लेकर एक्सक्लूसिव चैट। लास्ट टाइम तो उनके ब्रदर उनकी दुल्हन को भगा के ले गए थे, बट दिस टाइम अली हैज मैनेज्ड टू कैप्चर द गर्ल। तो क्या हुआ अगर उन्हें लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क तक जाना पड़ा उसे बचाने के लिए? अली एंड अदिति, वेलकम ऑन ज़ूम। थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। अली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहानी है तीन शहर की। एक शहर में फ्लर्टिंग, दूसरे में रोमांस एंड तीसरे में मोहब्बत। कुछ लोगों का ये कहना है दैट्स अ वेरी टिपिकल अमेरिकन रोम कॉम। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? हमारा भी एक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी हैव दिस स्टोरी द वे दैट वी हैव इंटरप्रेटेड इट एज एक्टर्स एंड द वे दैट वी हैव शोकेस्ड इट एंड आफ्टर एक्चुअली सीइंग द मूवी, I think it has a taste of its own and it has that freshness to it and we have told our story in our own way. बहुत सारी कहानियों में love होता है, flirting होती है, romance होता है, but everybody has a different story, right? This is the same way. Okay, we'll get on that. Girls are envious of you because you know, you have got like the best of the men with you. You started from kissing Arunoday, you went up to Ranbir and now you have got Ali Zafar. Oh, that's why. Okay, yeah, well then I'm lucky. What do you have to say? Well, I'm one of the men. Whom did you enjoy most? Like, who's the best kisser of the role? It's very clinical. You're just listening to your director and getting the shot and going back. Who did you kiss on the set? Did you kiss him on the show? Was it shot mobbed? Let's see. We don't know. Watch the film, you'll see. There's nothing hectic. We need to keep something safe. Suspense, thoda sa. Okay, now Ali will mime the three words London, Paris, and New York to you. You have to guess because the words will not be in the same sequence. Haven't you studied? Oh, Paris. Yeah. Thank God. Yeah. How much time? She's doing monuments. You're doing monuments. Okay. They're known for their monuments, no? Haan, tell me. So I'll do something else. Haan. Partying, New York. Cool. Mm. And then London, to she'll guess. London! Okay, how much time? 40 seconds, not bad. Now your turn and he'll guess. Since she's grabbing so many awards these days, we are giving her a tougher one. Aditi, mime a song to him. किसी गाने में गिटार तो होता ही नहीं है, किसी गाने में लोग ऐसे तो करते ही नहीं है। Come on, just this who does? You were just playing us. How much time? It was under 20. So thanks to our poor timer, it's a tie between Ali and Aditi. Thank you so much for talking to me. How is it a tie? She took 40 seconds. I but took but you 10 seconds. You had to do one song. मैंने खेला यार, मैंने खेला। बल्कि ये bite चलाए कि मैं नाराज होके चला गया था। You had to be a good bite for them to play ना। They'll keep running it on internet and all.
क्यों भाग गए अली जफर? Three things you have to guess one. क्यों भाग गए अली जफर? सेट से ज़ूम दिखाता है आपको. पीछे हो जाओ. While I'll go and catch Ali Zafar and Aditi, you keep watching Zoom with cameraman Amol, Kiti Tarang, Zoom Mumbai. कैटरीना के यू तो है लाखों करोड़ों फैंस, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि लोग उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. हाल ही में कैटरीना के चिकनी चमेली सॉन्ग को लेकर चल गई गोलियां. फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट. चिकनी चमेली ने अपनी फिल्म अग्निपथ की रिलीज से पहले ही किया दो लोगों को घायल. ये किस्सा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन है मजेदार. और इसमें कैटरीना कैफ की गलती सिर्फ इतनी है कि उनका चिकनी चमेली गाना कुछ ज्यादा ही तेजी से पॉपुलर हो गया है. असल में ये सब हुआ मुंबई के एक बार में, जहां कैटरीना तो मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां बैठा था कैटरीना का सबसे बड़ा फैन, जो बार बार एक सिंगर से उसी गाने को गाने की रिक्वेस्ट करने लगा. एक दो बार तो महफिल में बैठे लोग कैटरीना के इस गाने को सुनते रहे, लेकिन जब कैट का वो दीवाना बाज नहीं आया और तीसरी बार उसने इस गाने की रिक्वेस्ट की, तो बार में मौजूद बाकी लोगों को गुस्सा आ गया. बस फिर क्या था, कैट के इस गाने को लेकर वहाँ बवाल हो गया और नौबत गोली चलने तक की आ गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए. और कैट के गाने के लिए ये गोली भी कैट के उसी दीवाने ने चलाई. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.